हाँ बच्चों, राधे राधे। अब हम फैराडे एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। उन्होंने एक कॉइल लिया और एक मैग्नेट। ये दोनों जब एक दूसरे के पास में थे और रेस्ट में थे, या फिर कहें कि इनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो थी, तो उस समय भी इस कॉइल के साथ इस बार मैग्नेट का फ्लक्स एसोसिएटेड था। तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होने का मतलब है या तो दोनों ही रेस्ट में थे या दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब इससे जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है इसका मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होगा, ठीक है। और हमारा ऑब्जर्वेशन ये रहा कि जब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है, तब गैलोनोमीटर में डिफ्लेक्शन भी जीरो था। अब दूसरे केस में उन्होंने क्या किया कि इस बार मैग्नेट को V1 वेलोसिटी से इस कॉइल के पास लाए, तो यहां से जुड़ा हुआ फ्लक्स बढ़ा। फ्लक्स बढ़ा इसका मतलब चेंज इन फ्लक्स जीरो नहीं रहा, ठीक है। और अब हमें मालूम पड़ा कि गैलोनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा था। अब उन्होंने वापस सेम पोल को उसी ओरिएंटेशन में ज्यादा वेलोसिटी से लेके आए, तो अब भी फ्लक्स बढ़ा और चेंज इन फ्लक्स अब भी नॉन जीरो था और डिफ्लेक्शन अब भी आया, लेकिन इस वाले केस से ज्यादा आया। तो यहां पर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स था वो इस वाले केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से ज्यादा था। अब नेक्स्ट केस में इन्होंने क्या किया कि इस बार मैग्नेट को V3 वेलोसिटी से दूर लेके गए, तो अब फ्लक्स घटा, चेंज इन फ्लक्स अब भी नॉन जीरो था और अब भी गैलोनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, जो कि दूसरे और तीसरे केस के बजाय अपोजिट डायरेक्शन में था, ठीक है। तो यहां से इन्होंने क्या मतलब इसके अलावा एक ये भी था कि अगर हम इस बार मैग्नेट के बजाय एक कॉइल यहां पर रख लें, ठीक है, और उस कॉइल में इन दोनों कॉइल में रिलेटिव मोशन कराएं, तब भी ऐसा होगा। अब इसके अलावा एक सिचुएशन और बनती है बच्चे कि अपन ने एक कॉइल लिया और एक दूसरा कॉइल लिया जिसमें अपन ने सेल लगाया और साथ में रियोस्टेट। तो अगर इस कॉइल में करंट को बढ़ाएंगे या करंट को घटाएंगे तो भी इसके पास वाली कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हुआ। तो इस वाले केस में रिलेटिव वेलोसिटी इंक्लूड नहीं थी लेकिन चेंज इन फ्लक्स था। तो इन सभी एक्सपेरिमेंट को समझ के एक एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया, कैलकुलेशन किया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हम बात करते हैं लेंज लॉ की। लेंज लॉ को समझने का सबसे आसान तरीका यह होता है कि लेंज लॉ उस हमारी नेचर को बताता है हमारे एल्डर्स और हमारे पेरेंट्स के प्रति। नो डाउट ये बात थोड़ी सी समझने की है, हंसने में हंस भी आती है, बट इसे समझना आसान होगा। तो लेंज लॉ इट रिप्रेजेंट अवर बिहेवियर टुवर्ड्स अवर पेरेंट्स। जिस तरह से हमारे मन में हमारे पेरेंट्स की कही बात पर थोड़ा सा अपोजिशन का मन में आता है ना, तो हम उन्हीं को अपोज करने की कोशिश करते हैं जिनकी वजह से हैं, ठीक है। ये अच्छा नहीं है बट समझने के लिए बात कर रहे हैं बेटा। तो हम उन्हीं का अपोज करते हैं जिनकी वजह से हम हैं। तो लेंज लॉ भी इसी चीज को बताता है कि पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज इन सच अ वे दैट इट अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। अब अगर ये रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से डेवलप हो रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी को खत्म करने की कोशिश करेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने की वजह से है तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगी, अगर किसी मोशन की वजह से है तो उस मोशन को अपोज करने का कोशिश किया जाएगा। तो कुल मिला के पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करेंट
always in such a way that it opposes the cause of its production. तो इसको हम समझते हैं, इसीलिए हम फैराडे लॉ में यहां पर माइनस लगा रहे हैं। तो ये माइनस साइन सिर्फ इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी उसके प्रोडक्शन कॉज को अपोज करती है। तो अब देखिए, जैसे अगर हम यहां पर एक नॉर्थ पोल पास लेके आ रहे हैं कॉइल से, तो इस कॉइल में करंट इस तरह से फ्लो होगा कि यहां पर नॉर्थ पोल बने, ठीक है, जिससे इस नॉर्थ पोल के पास आने का अपोजिशन हो। अब अगर हम इस कॉइल के पास से नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रहे हैं, तो इस कॉइल में करंट इस तरह से फ्लो होगा कि नॉर्थ पोल के दूर जाने का अपोजिशन हो। तो अब हम पहले एक बार फ्लक्स को समझते हैं। जैसे हमने एक बार मैग्नेट लिया जिसमें नॉर्थ और साउथ दो पोल्स हैं, ठीक है, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ आती हैं। तो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो तो हम कहते हैं नॉर्थ पोल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये कॉइल है, अभी इस कॉइल में करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, तो ये करंट हमारे पास में एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम ये कहेंगे कि यहां पर नॉर्थ पोल है, ठीक है। अभी अगर हम राइट हैंड पाम रूल लगाएं कि इस कॉइल को अपने राइट हैंड में इस तरह से पकड़ें कि फिंगर्स का कर्वेचर है ना, फिंगर्स का कर्वेचर करंट के डायरेक्शन को बता रहा है, तो अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है। तो हमें मालूम पड़ेगा कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ रहा है वहां पर नॉर्थ पोल बनता है, और जहां मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड जा रहा है वहां साउथ पोल। तो अभी हम एक सवाल देखते हैं जो लेंज लॉ पे इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हमारे पास में एक वायर है, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, उसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में एक एक कॉइल है, और हमें इन दोनों कॉइल में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन देखनी है। गिवन ये है कि इस वायर में करंट बढ़ रहा है, तो अब समझें, जैसे इस वायर में करंट है और कॉइल वन इसके लेफ्ट हैंड साइड में है, तो कॉइल वन पर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा और कॉइल टू पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा। तो कॉइल वन से एसोसिएटेड आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है क्योंकि करंट बढ़ रहा है। तो इस कॉइल वन में आउटवर्ड फील्ड बढ़ा तो आउटवर्ड फ्लक्स बढ़ा, और आउटवर्ड फ्लक्स के बढ़ने का अपोजिशन आउटवर्ड फ्लक्स कम हो या फिर इनवर्ड बढ़ जाए। तो इसमें इनवर्ड कब बढ़ेगा, जब यहां पर साउथ पोल होगा, इसका मतलब इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो, ठीक है। अब इसी तरह से हमने इस वाली कॉइल में देखा, तो इस वाली कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा और बढ़ भी रहा है क्योंकि करंट बढ़ रही है, तो यहां पर फाई इन बढ़ रहा है, और फाई इन बढ़ने का अपोजिशन फाई इन का कम होना या फिर फाई आउट का बढ़ना। तो फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स कब बढ़ेगा, जब इसमें नॉर्थ पोल होगा, और नॉर्थ पोल के बनने का मतलब है करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होना, ठीक है। तो हमें ये चीज समझ में आ गई। अब हम यहां पे एक और देखते हैं कि हमारे पास में एक हॉरिजॉन्टल कॉइल है और उसके एक्सिस के अलोंग एक बार मैग्नेट घिर रहा है, ठीक है। तो हमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन देखना है। तो अब यहां पर बार मैग्नेट वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहा है और इस कॉइल में करंट किस तरफ होगा, तो यहां पर नॉर्थ पोल पास आ रहा है, उसका पोजीशन कि यहां पर नॉर्थ पोल बन जाए, ठीक है। तो इसमें करंट हमारे पास में इस तरह से फ्लो होनी चाहिए। लेकिन अगर यहां पर इस कॉइल में अगर एक कट होता, तो यहां पर देखिए, जैसे ये कट है तो यहां पर ईएमएफ तो इंड्यूस होगा, लेकिन अब चूंकि कॉइल जो है ओपन है, और ओपन कॉइल है इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो इसमें इंड्यूस करंट डेवलप नहीं होगी, ठीक है। तो आई थिंक आपको अब फैराडे लॉ इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ डी फाई
by dt, or Lenz's law equal to minus of n d phi by dt समझ में आ गया। इसके आगे हम Lenz's law से जुड़े हुए ही induced EMF के कुछ numericals करेंगे बेटा, राधे राधे।